ब्राह्मण ही एक ऐसा रहा है जो सदा समाज के लिए भला सोचता चला आया है। ब्राह्मण के लिए बुरा सोचने का कोई उद्देश्य बनता ही नहीं। देख लो आप, ब्राह्मण अपने यजमान के लिए क्या सोचेगा? बोलो भला कि मेरे यजमान की बेटी का जल्दी विवाह हो, मेरे यजमान के बहू के जल्दी बेटा हो जाए, ताकि सब बढ़िया। और क्या वो चाहेगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ चलो, वो ये चाहेगा तुम्हारे घर में हवन हो, कीर्तन हो, भगवान नाम हो। उसका आपसे क्या क्या नुकसान चाहेगा वो, आपका क्या बुरा चाहेगा? बोलो क्या बुरा चाहता है वो? ब्राह्मण सदा से ही समाज का पोषक रहा है, शोषक नहीं रहा, उसने समाज का शोषण नहीं किया। अच्छा बताओ, मनु महाराज कौन थे? बोलो, मनु क्षत्रिय राजा थे और मनु जी ने मनुस्मृति लिखी। उस जमाने का वो सिद्धांत था, जैसे आज का हम लोग संविधान पढ़ते हैं, ऐसे उस जमाने का संविधान मनुस्मृति था। और मनुस्मृति लिखी किसने? मनु जी ने। और मनु कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय ने मनुस्मृति लिखी और उस मनुस्मृति में क्या लिखा? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। मनु जी की स्मृति समाज तक पहुंचाई। ब्राह्मण ने अपने से कुछ नहीं लिखा, मनु के लिखे हुए वचन को उन्होंने पालन किया। और सुनो, पहले के जमाने में, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, एक आदमी का मर्डर किया, चार लोगों ने मिलकर एक आदमी को मारा। चार लोगों में एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। ध्यान से सुनना, पहले के जमाने में न्याय कैसा होता था वो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड लिखी हैं महाभारत में, पढ़ लेना कभी फुर्सत मिल जाए तो। बताओ, एक मर्डर हुआ और मर्डर करने वाले चार लोग थे, ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बताओ कि वो चारों को राजा पकड़ के ले गया, तो राजा से पूछा गया न्याय करो, इन चारों ने मर्डर किया है, चारों को क्या दंड मिलना चाहिए? अब आप बताओ, चारों को एक सा दंड मिलना चाहिए कि अलग अलग? उत्तर दो जोर से, जोर से। एक सा, आज का कानून एक सा दंड देता और आप लोग भी कह रहे हैं एक सा, परंतु सुनो उस जमाने में एक सा दंड नहीं था, उस जमाने में एक सा दंड नहीं था, उस जमाने में दंड अलग अलग थे। एक ही अपराध था, चारों ने किया एक अपराध, लेकिन चारों का दंड अलग अलग था। सुनो कैसा दंड था, शूद्र को 5 साल की सजा होती थी। माना कि उदाहरण समझो, शूद्र को कितने साल की सजा? 5 साल। तुमने मर्डर किया है, 5 साल कारागृह में, कारागार में रहो चलो। और शूद्र से ज्यादा वैश्य को 10 साल की सजा, वैश्य से 5 साल ज्यादा 15 साल की सजा क्षत्रिय को, और सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को 20 साल की सजा होती थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें लिखी हैं, कभी पढ़ लिया करो। पहले एक ही अपराध होता था तो सबसे कम सजा शूद्रों को मिलती थी। क्यों? कारण था, बोले शूद्र है इसे ज्यादा सजा ना दी जाए, वैश्य को ज्यादा सजा दी जाएगी,
क्षत्रिय को और ज्यादा और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तुम वेद पुराण जानते हो, तुम्हें पता था कि हत्या करना गलत है, फिर तुमने जब पता था तो क्यों किया? इसलिए उन्हें तो पता नहीं था, लेकिन तुम्हें पता था तो तुमने जानकर पाप किया है, तुम्हें सजा सबसे ज्यादा मिलेगी। शूद्रों से 3 गुनी ज्यादा सजा ब्राह्मणों को मिलती थी। जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने मनमानी किया, मनमाना नहीं, पहले के बताओ इस भारत में राज्य ब्राह्मणों ने किया है या क्षत्रियों ने? बोलो, राजा कौन था, ब्राह्मण या क्षत्रिय? बोलो। तो क्षत्रियों की बात सदा ब्राह्मण मानता रहा है। क्षत्रिय राजा थे और राजा का जो आदेश था वो भगवान का आदेश था। क्षत्रिय कहा करते थे कि पंडित जी आपने गलत किया है तो आपको समाज में सबसे ज्यादा दंड दिया जाएगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि पहले ब्राह्मणों को दंड सबसे ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि तुम तो समझदार हो, तुमने गलती क्यों की। लेकिन आज ना जाने कितने लोग ब्राह्मणों को गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं, उनके त्याग, उनके तपस्या, उनके योगदान, उनका बलिदान कोई नहीं देखता, सब गालियां देते हैं, जिसको जो मनाए बोल दिया। आज कोई ब्राह्मण गरीब आपके घर भीख मांगने आ जाए तो आप भी तो जो मनाए बोल देते हो। आज भी जब आप अपनी बेटी का ब्याह करते हो तो आप बैंड पार्टी पर लाखों खर्च करते हो, खाने पीने में लाखों खर्च करते हो, टेंट में लाखों खर्च करते हो, लेकिन वो ब्राह्मण जब आपकी बेटी का ब्याह पढ़ने आता है और मंत्रोच्चार करके आपकी बेटी का ब्याह पढ़ता है तो आप उस ब्राह्मण को यदि 2,000-5,000 दक्षिणा देते हो तो आपको लगता है बहुत ले लिया पंडित जी ने, बहुत लूट लिया पंडित जी ने, लूट लिया। बैंड पार्टी में लाखों खर्च किया तब आप नहीं लुटे, खाने पीने में लाखों खर्च किया तब आप नहीं लुटे, जब आपने टेंट में लाखों खर्च किया तब आप नहीं लुटे, पर जिस ब्राह्मण ने शुद्ध मंत्र पढ़कर आपकी बेटी का विवाह मंत्रोच्चार विधि विधान से कराया उसे 2-5 हजार देकर आप कहते हम लुट गए। ये मानसिकता है समाज की या नहीं? हाँ या ना? बोलो। ये मानसिकता है भाई। ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। यदि ब्राह्मण पढ़ेगा नहीं वेद पुराण तो फिर तुम्हारा जो तुम्हारे पिताजी के मरने पर जो शमशान में क्रिया होती है पिंडदान की, वो पिंडदान की क्रिया कौन कराएगा? और शास्त्र कहते हैं कि बिना क्रिया के व्यक्ति की सदगति नहीं होती। जब राम जी के पिता की मृत्यु हुई दशरथ जी की, तब राम के पिता का श्राद्ध हुआ और पिंडदान हुआ। हाँ या ना? ये श्राद्ध, ये पिंडदान कोई आज की बातें छोड़ी हैं। अरे पिंडदान तो ब्राह्मण भी करता है अपने बाप का, केवल तुम ही करते हो ऐसा नहीं। मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी का पिंडदान आज भी करते हैं। तो ये परंपरा सबके लिए है, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जब पांचों पांडव गया जी गए तो कुंती बुआ ने बोला ना कि कर्ण धर्मराज एक पिंडदान कर्ण के नाम का दे। तब वहां पता चला कि कर्ण हमारे बड़े भैया थे। मतलब ये पिंडदान, ये परंपरा कोई आज की है क्या? तो ये पर अच्छा ये बताओ, कोई डॉक्टरी पढ़ेगा तब ना सुई लगाएगा? अब डॉक्टरी उसने पढ़ाई करी नहीं, उसी तरह पंडिताई जो करेगा तो पंडिताई पढ़ेगा, वेद पुराण पढ़ेगा तब ना विधि विधान से कराएगा, और जब विधि विधान से कार्य होगा तो आपको उसका फल मिलेगा। आजकल आप लोग विधि विधान कराते ही नहीं, पंडित जी से बोलते हो जल्दी शादी कराओ, जल्दी जल्दी शादी होती है क्या यार? शादी में अपना टाइम तो लगता ही है, द्वार चार होगा, भामर होगी, पूरा
अब आपने फोटो खिंचाने में 4 घंटा लेती हो, ऐसे 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 फोटो ऐसे 17 प्रकार की, उसमें 4 घंटा गया। और पंडित जी मंत्र पढ़े तो तुम उंगली करते हो, जल्दी पढ़ो। अरे भाई, उस मंत्र के बल पर ही सब काम होना है। अयोध्या जी में राम मंदिर बना, वो रामलला तब तक रामलला नहीं थे जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। एक विधान है, मूर्ति मूर्ति होती है पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह मूर्ति भगवान के अंश में मानी जाती है। उसी तरह विवाह जब मंडप गढ़ता है और मंडप के नीचे लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन के लिए वो मंत्र उच्चार होते हैं तो वो पति पत्नी बनते हैं। क्या बनते हैं? लड़का लड़की से क्या हो गए? वो पति और पत्नी। आजकल तो कोर्ट जज साहब शादी करा दे। अब जज, तुम जज न्याय करने बैठे हो कि शादी कराने? सब तुम ही करा लोगे तो पंडित जी क्या कराएंगे? तुम ही सब कर लो। तलाक वो जज करा दें, शादी वो जज करा दें, सब वही करा रहे हैं। अरे विधि विधान नाम की कोई चीज है या नहीं? लेकिन आजकल विधि विधान से किसी को कोई मतलब नहीं। आप झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते तो ये बताओ कि शादी कराने में ये जज साहब तो झोले छाप कहलाए ना भाई। शादी कराने के इनको कौन सा ज्ञान है बताओ? कौन सा मंत्र जानते हैं ये जज साहब? बुलवाओ एक मंत्र। तो जब बिना पढ़ा डॉक्टर झोला छाप कहलाएगा तो बिना पढ़ा पंडित भी तो ये जज जो करा रहे हैं शादी ये भी तो झोला छाप कहलाए फिर। अब इन जजों की कराई शादी कितने दिन चलेगी? अब झोला छाप डॉक्टर का किया इलाज कैसा रहेगा? ऐसे ही है भाई, जिसका जो स्पेशलिस्ट है उसके पास ना जाना चाहिए। शादी विवाह कौन कराएगा? शादी का पहले मुहूर्त निकाला जाता है, ब्राह्मण बताता है इस महीने की इस तिथि को आपकी बेटी का विवाह इस नाम के लड़के से सही बैठ रहा है। हाँ या ना? पंडित जी विवाह बिठाएंगे, उसके बाद वो तारीख मुहूर्त निकालेंगे कि शादी का मुहूर्त है या नहीं है। ये जज साहब तो बिना मुहूर्त की करा देते हैं। अब मुझे बताओ ये जज साहब न्याय करने बैठे हैं कि शादी कराने? शादी कौन कराएगा साहब? ये शादी विवाह कराने का कार्य किसका है ये बताओ? चलो आप, ब्राह्मण का है कि जज का है? जोर से तो आज जज का है करा रहे हैं। सब मनमाना है। वो गलती किसकी है? देखो एक बात बताऊं, आप मेरी बात मानो बिल्कुल मत मानो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो मर्यादाएं हैं, वो मर्यादा की रेखाओं का उल्लंघन ना करो, बहुत हानि हो जाएगी, बहुत नुकसान। ज्यादा होशियार ना बनो, जो तुम्हारे बाप दादे परंपरा बनाए हैं फॉलो करो। ज्यादा होशियारी के चक्कर में होशियार कौआ होता है ना, वो चौंच कहां मारता है? गंदगी में। तो ज्यादा होशियार कौआ ना बनो, जो तुम्हारे बाप दादे परंपराएं बनाए हैं उसे फॉलो करो, उस मर्यादा पे रहो। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? बताओ, भगवान राम और सीता का विवाह जज ने कराया था? किसने कराया था? अरे 6 महीने तक बारात रही, पूरा विधि विधान से ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किए और सीता राम का विवाह कराया। पंडित जी का अपना काम है, क्षत्रिय का अपना काम है, पूजा पाठ ब्राह्मण को आएगी और बिजनेस व्यापार वैश्य को आएगा, तलवार चलाना क्षत्रिय को आएगा और सेवा करनी शूद्र को आएगी। सेवा तो यह दास अनिरुद्ध भी करता है माओ के चरण दबाकर। देखो सेवा का मतलब ये नहीं कि जो सेवा करे वो शूद्र ही है। भाई शूद्र का मतलब कोई अछूत नहीं है, हम सारे लोगों का
हम चार भाई हैं समाज में। कितने भाई हैं आप? कितने भाई हो? कितने भाई हो दादाजी आप? अच्छा कौन कौन से आप? कितने भाई हो? हम सारे सनातनी चार भाई हैं। कितने भाई हैं? जोर से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों भाई हैं, गले मिलकर रहने वाले। जब तक हम संगठित थे कोई हमारे देश की तरफ आंख ना उठा सका, और जैसे ही हम जातवाद में बटे तो मुगल आए और अंग्रेजों ने गुलामी, हम गुलाम बन गए। 700 साल तक भारत गुलाम रहा। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में क्या करते रहे? लड़ते रहे। संगठित होते ना तो क्या मजाल थी मुगलों की। संगठित करना चाहते थे चाणक्य, कहा मानी नंद ने बात। चाणक्य कोई अपमानित करके निकाल दिया था, चाणक्य ने कहा मैं सिखा तब बांधूंगा जब इस नंद का नाश कर दूंगा। इतिहास ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ा करो अपने इतिहास को। गालियां देने से काम ना होगा, ये बच्चों को व्हाट्सएप फेसबुक से दूर करके अपना भारत का इतिहास, प्राचीन संतों का चरित्र, ऋषियों का चरित्र बताओ, राजाओं के बारे में, पुराने राजा, पुराना परंपरा क्या थी भारत की सिखाओ। ब्राह्मण समाज के लिए शुभ चिंतक रहा है। गुरु नानक देव जी कौन है बोलो? गुरु नानक देव जी कौन है? गूगल में देख लो गुरु नानक देव जी, हमारे सिख भाइयों के भगवान हैं। और वो ब्राह्मण हैं। गुरु नानक देव जी कौन है? कौन है? ब्राह्मण है। देख लो इतिहास ऑन रिकॉर्ड है, कोई छिपी को मैंने थोड़ी लिख दी सब चीजें। ब्राह्मण समाज का शुभ चिंतक रहा है। ब्राह्मण वेद पढ़ाना भी सिखाता है, माला जपना भी सिखाता। वही ब्राह्मण अर्जुन को धनुष चलाना किसने सिखाया जरा बताओ? बोलो ब्राह्मण ने। कर्ण को धनुष चलाना किसने सिखाया? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण माला भी जपना सिखाता है, और जरूरत पड़ जाए देश के लिए तो माला भी और भाला भी चलाना सिखाता है। ये ब्राह्मण का काम रहा है। पहले के ब्राह्मण केवल पढ़ाने में रहे, और पहले क्या पढ़ाया जाता था? झांसी की रानी को तलवार चलाना किसने सिखाई? उनके नाना जी ने। नाना जी को किसने सिखाया? जाके देखिए इतिहास। सब राजाओं के यहां पहले राजगुरु हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बोलो? राजगुरु। और वो राजगुरु का काम था कि राजाओं के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तलवार चलाना पढ़ाते थे। जब तलवार की जरूरत थी तो ब्राह्मणों ने पूरे देश को तलवार, और ब्राह्मण ने सबको पढ़ाया, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, सबको पढ़ाया। कोई भेद नहीं था। किसी ने भेद किया होगा तो उसकी पर्सनल मानसिकता रही होगी, व्यापक रूप से भेद नहीं था। बात समझ में आई? इसलिए बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मणों को हम बारंबार ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, नालंदा में आग लगवा दी, सारे वेद पुराण जल के राख हो गए, सारा कुछ जल गया इतिहास, तब ब्राह्मणों ने अपने जान की परवाह किए बिना वेद पुराण जो बचे ले लेकर जंगल की तरफ भागे, और जंगलों में जा जाकर गुप्त रहकर कंद मूल फल खा खा कर वेद पुराणों को बचाया।
आज जो तुम्हें गीता सुनने मिलती है, यदि ना बचाया होता तो ये गीता ना होती। बहुत बड़ा योगदान है। गाली देना बहुत आसान है, किसी को गलत कह देना बहुत सरल। कह दो, एक मिनट लगता है कि ये आदमी गलत है, पर उस व्यक्ति की पूरे इतिहास को खंगालना, एक एक चीज को बारीकी से देखना, उसके त्याग को, उसके तपस्या को, उसके समर्पण को देखना बहुत कठिन काम है। और आज समाज त्याग तपस्या नहीं देखती, आज समाज समर्पण नहीं देखती। आज के लोग बाहरी चीज देख के निर्णय करते हैं कि सही है कि गलत है।